प्रशासन इसका प्रमुख कार्य लक्ष्यों का और उद्देश्यों का निर्धारण करना है। दायित्व बिंदु के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रबंध जो है संस्था या व्यवसाय के प्रबंध का दायित्व वहन करता है संचालित करने का। वहीं संगठन प्रबंध तथा प्रशासन के मध्य समन्वय स्थापित करने का दायित्व वहन करता है और प्रशासन का जो दायित्व है वो व्यवसाय को मुख्य रूप से पूंजी प्रदान करना है। अगले बिंदु गठन के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि प्रबंध सामान्यतः इसमें विभागीय प्रबंधक, अन्य मध्य स्तरीय प्रबंधक और पर्यवेक्षक आदि सम्मिलित होते हैं। संगठन में जो गठन की प्रक्रिया है इसमें संपूर्ण प्रबंध तंत्र जिसमें उच्च प्रबंध, मध्य प्रबंध और प्रथम स्तरीय या निम्न पर्यवेक्षकीय प्रबंध भी सम्मिलित होता है। प्रशासन के अंतर्गत इसमें प्रायः कंपनी के अध्यक्ष, संचालक मंडल तथा महाप्रबंधक ही सम्मिलित होते हैं। उद्देश्य प्रबंध के अंतर्गत प्रबंध का जो उद्देश्य है यह उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु योजनाएं तैयार करना है इसका कार्य। वहीं संगठन का उद्देश्य है यह प्रबंध द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार कार्य का विभाजन तथा उपविभाजन करता है। वहीं प्रशासन का उद्देश्य ये संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। प्रबंध के संबंध में कहा जाता है प्रबंध जो है वो व्यवसाय के आंख, कान, नाक, हाथ, बा पैर माने जाते हैं, मतलब शरीर की जो बाह्य संरचना है वो प्रबंध के रूप में है। वहीं संगठन जो है संपूर्ण शरीर की जो संरचना है वो संगठन के रूप में मानी गई है। वहीं प्रशासन जो है वो व्यवसाय का मस्तिष्क माना जाता है, अर्थात प्रशासन जो है वो व्यवसाय से जुड़े हुए सभी प्रकार के डिसीजन निर्णय लेता है, इसलिए इसको व्यवसाय का मस्तिष्क कहा गया। प्रबंध के प्रशासन, संगठन और प्रबंध में हम अंतर अभी हमने देखा। आगे बढ़ते हैं हम प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व। प्रबंध के उद्देश्य का ध्यान करने पर संज्ञान में आता है कि प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री और अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। परंतु प्रबंध उद्देश्यों में संस्था व स्वामियों के लाभ में वृद्धि करना है ऐसा सोचना उचित नहीं है। आधुनिक समय में प्रबंधक सिर्फ स्वामियों के प्रति ही उत्तरदायी नहीं है बल्कि कर्मचारी, ग्राहक, समाज व सरकार के प्रति भी उत्तरदायी है। आइए हम देखते हैं कि प्रबंध के जो सामाजिक उत्तरदायित्व हैं उसमें अंशधारियों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। एक फर्म में, उपक्रम में, कंपनी में कि जो पूंजी होती है वो अंशधारियों के द्वारा लगाई जाती है और कंपनी को पूंजी जो है अंशधारियों से प्राप्त होती है। अतः आवश्यक है कि फर्म जो है, प्रबंधक जो है अंशधारियों को समय पर उचित लाभांश दें, साथ ही उपक्रम की वर्तमान गतिविधियों की सूचना समय समय पर प्रदान करें और पूंजी से जुड़ी हुई संबंधित बातों को ध्यान में रखें, ये अंशधारियों के प्रति उसके दायित्व हैं। वहीं कर्मचारियों के प्रति प्रबंध के जो सामाजिक दायित्व हैं, आधुनिक समय में प्रबंध के नियंत्रण व निर्देशन में बड़ी मात्रा में कर्मचारी कार्य करते हैं, अतः प्रबंध के लिए आवश्यक है कि वो कर्मचारियों को समय पर उनका वेतन, उनके भत्ता, उनका लाभांश दिया जाए। कर्मचारियों को समय समय पर सही एवं निश्चित निर्देश प्रदान किए जाएं, साथ ही कर्मचारियों से जुड़े हुए पदोन्नति एवं उनको बोनस और जो भी अन्य कार्य संबंधी सुविधाएं हैं वो कर्मचारियों को प्रदान की जाएं। वहीं प्रबंध के उपभोक्ताओं के प्रति जो उत्तरदायित्व हैं कि किसी भी व्यवसाय की सफलता का आधार जो है उपभोक्ताओं की संतुष्टि है, अतः आवश्यक है कि उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए प्रबंधक जो है लागत मूल्य में कमी कर उचित कीमत पर उचित क्वालिटी की वस्तुएं जो है
उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए, साथ ही बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा ना हो, पूर्ति को सतत बनाए रखे, मांग के अनुसार समय समय पर उसकी पूर्ति करते रहे, साथ ही अनावश्यक रूप से वस्तुओं की मुनाफाखोरी व कालाबाजारी ना करें। आगे हम बढ़ते हैं पूर्तिकर्ता के प्रति प्रबंध के दायित्व। उत्पादन के लिए पूर्तिकर्ताओं का अत्यंत महत्व है। व्यवसाय के लिए कच्चा माल, मशीन, श्रमिक व अन्य सामग्री पूर्तिकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अतः पूर्तिकर्ताओं के लिए प्रबंध के लिए आवश्यक है कि प्रबंध उसके माल का उचित मूल्य व समय पर मूल्य दे, साथ ही माल से संबंधित झूठी शिकायत ना करे और आवश्यकता अनुसार अथवा उपयोग अनुसार ही वो पूर्तिकर्ताओं से माल प्राप्त करें। साथ ही आगे हम देखते हैं कि प्रबंध के स्वयं के प्रति भी क्या दायित्व है। व्यवसाय के स्वामी के प्रति प्रबंधक के दायित्व हैं, जैसे कि प्रबंधक की व्यवस्था का कुशलता पूर्वक संचालन करना, आहरण पर नियंत्रण रखना, पर्याप्त लाभ कमाना, जो भी लाभ प्राप्त हुए हैं उन लाभों का पुनर्नियोजित करना, साथ ही प्रबंध के लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था करना। तो ये थे प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व। प्रबंध का महत्व व उद्देश्य। प्रबंध की आवश्यकता इस पृथ्वी पर सभ्यता के अभ्युदय के साथ साथ होने लगी थी। आधुनिक समय में प्रबंध का महत्व सर्वव्यापी है। प्रबंध के ज्ञान एवं नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन सिर्फ साधन बनकर रह जाते हैं, उत्पादन नहीं बन पाते। उपक्रम की सफलता का राज वास्तव में उसके कुशल प्रबंधन में छिपा होता है। प्रबंध का महत्व हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। सर्वप्रथम है संसाधनों का कुशलतम उपयोग। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक देश में प्राकृतिक संसाधन व मानव शक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है और स्वतंत्र रूप से ये संसाधन कुछ भी नहीं कर पाते। अतः कुशल प्रबंधन के निर्देश में ये संसाधन संगठित रूप से उत्पादन बन जाते हैं। दूसरा बिंदु जो प्रबंध का महत्व का है, औद्योगिक जटिलताओं का सामना। आधुनिक समय में व्यवसाय को विभिन्न जटिलताओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें उपक्रम के विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय का ना हो पाना, वैश्वीकरण के दौर में प्रतियोगिता का सामना, ऊर्जा संकट, पर्यावरण प्रदूषण आदि औद्योगिक विकास में बाधा बने हुए हैं। इन जटिल समस्याओं का समाधान जो है वो बेहतर प्रबंध से ही हो सकता है। अगला बिंदु है गला काट प्रतियोगिता का सामना। जैसा कि हम जानते हैं, आज के व्यवसायिक समय में बहुत ही प्रतिस्पर्धा का समय है। प्रत्येक उपक्रम को देश की फर्मों से ही नहीं, विदेशी फर्मों से भी प्रतियोगिता करना पड़ती है। ऐसी स्थिति में मूल्यों की साथ ही क्वालिटी का, इन दोनों बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है। अतः बेहतर से बेहतर तकनीक अपनाकर, बेहतर विज्ञापन कर बिक्री बढ़ाना कुशल प्रबंध द्वारा ही संभव हो पाता है। नंबर चार है बृहद इकाइयों का कुशलतापूर्वक संचालन। आधुनिक समय में बाजार का वैश्वीकरण हुआ है, आयात निर्यात आसान व सस्ते हो गए हैं, तकनीकी ज्ञान का तीव्र विकास हुआ है, अतः बड़े आकार का उत्पादन करना संभव व लाभप्रद हो गया है। बड़ी कंपनियों की शाखाएं देश विदेश में फैली हैं, सेवाओं का बाह्य स्रोतीकरण हो रहा है। ऐसी स्थिति में बृहद आकार के उपक्रमों का संचालन कुशल प्रबंध के द्वारा ही कुशलता से संभव हो पाता है। तकनीकी ज्ञान का सदुपयोग। कुशल प्रबंधन के द्वारा उन्नत तकनीक को अपनाकर उपक्रम के लाभों में हम वृद्धि कर पाते हैं। नंबर छह है श्रम समस्याओं का समाधान। उपक्रम के बढ़ते आकार के कारण श्रम समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। श्रम समस्या
बढ़ने से उपक्रम का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। अतः समन्वय के माध्यम से हम इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। नंबर 7, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन। प्रबंध की सामाजिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपभोक्ताओं के हित में, रोजगार के अवसर बढ़ाने में, साथ ही अंशधारियों के हित में इन सामाजिक दायित्वों की रक्षा करना प्रबंध का मुख्य दायित्व हो जाता है। अतः निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में प्रबंध अति महत्वपूर्ण है। इसका महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब तक मानव सभ्यता रहेगी, प्रबंध का महत्व